राहुल गांधी के बयान को गलत खबर के संदर्भ में चलाया। नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक वी शुड बी फॉरगिविंग एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझिए कि इस वक्त परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, गलत परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, एक नेता की छवि को धूमिल करने के लिए किस हद तक लोग झूठ बोल रहे हैं, किस हद तक। और ये मीडिया का हाल है, नेशनल मीडिया का हाल है, और ये चापलूसी में ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारे आका खुश हो जाएंगे, हमारे आका जो है, हमारे जो मालिक है, वो राज्यसभा चले जाएंगे, लोकसभा चले जाएंगे। राजनीति में चापलूसी का इस वक्त जो है वो चरम काल चल रहा है। अब वो चाहे बिहार की बात हो, मतलब पॉलिटिक्स की बात हो, या मीडिया की बात हो, दोनों जगह इतना जबरदस्त ढंग से चापलूसी चल रहा है कि चापलूसी करने के बाद लोगों को एहसास होता है कि अरे ये कुछ ज़्यादा हो गया, उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं। दो खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बिहार में जदयू के एक वरिष्ठ नेता है उपेंद्र कुशवाहा, काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि नीतीश इज एनडीए एंड एनडीए इज नीतीश, देवकांत बरुआ की याद दिलाता है, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। हालांकि उसकी कीमत भी इंदिरा गांधी को चुकानी पड़ी थी बाद में, बहुत ज़बरदस्त हार हुई थी, आपातकाल से पहले की बात है जब देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के लिए ऐसा कहा था। और अब उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं बिहार में कि एनडीए इज नीतीश, नीतीश इज एनडीए। तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, 17 साल से मुख्यमंत्री है, वो गणित है, कह सकते हैं प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो नसीब वाले हैं कि लगातार 17-18 साल से मुख्यमंत्री है, 2 नंबर 3 नंबर की पार्टी बनकर। लेकिन एनडीए इज नीतीश एंड नीतीश इज एनडीए कहने का मतलब क्या है? यह मतलब सीधा यह है कि आप भाजपा के प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। आपको यह लग रहा है कि भाजपा आपकी पार्टी को, देखिए एक चीज तो तय है कि नीतीश जी 2025 के बाद राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, तो जदयू को संभालेगा कौन, जदयू को बचाएगा कौन? जदयू में जैसे आरसीपी सिंह जैसे लोग जो जदयू में रहते हुए जिनकी राजनीति चमकी, लेकिन आज वो भाजपा के साथ है, भाजपा के पाले में, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जदयू के भीतर जो 2025 के बाद मैं कह सकता हूं कि वो जदयू में शायद न रहे, तो या तो भाजपा में रहेंगे या राजद में रहेंगे। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि नीतीश इज एनडीए, एनडीए इज नीतीश, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब? हालांकि उनको बहुत जल्द यह एहसास होगा कि उन्होंने ये गलत बयान दिया है और उनको ऐसा बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम के तौर पे मानती है, उनको सीएम बनाती रही है। अब ये अलग बात है कि उसके एवज में भाजपा अपना एजेंडा चाहती है कि वो लागू करे, हालांकि वो नीतीश कुमार मुझे लगता है कि वो नहीं करने देते हैं भाजपा को, चूंकि जाति जनगणना की बात हो या तमाम ऐसे और मुद्दे हो जहां पे नीतीश जी अपनी बात को ऊपर रख पाते हैं, रख लेते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से संजय जायसवाल के साथ जो बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जुबानी जंग हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, वो एनडीए के लिए कहीं से भी ठीक नहीं माना सकता और राजनीति के लिए भी ठीक नहीं माना जा सकता कि इतने परिपक्व लोग, इतने मैच्योर्ड लीडर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करें और यह जताने के लिए कि हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं, इस तरह की बयानबाजी करें। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए भी जो संजय जायसवाल के खिलाफ है इस तरह के बयान दे रहे हैं, या संजय जायसवाल
भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते और एक बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते जो अपनी बात रखना चाहते हैं उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बात कर रहे हो, लेकिन क्या ये एनडीए के लिए ठीक है? ये एनडीए जाने एनडीए के लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए कहीं से ठीक नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति को इतना बड़ा मसीहा बना दें और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की तर्ज पर नीतीश इज इंडिया एंड इंडिया इज नीतीश कहना शुरू कर दे। ये चापलूसी की हद है। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। और ऐसा ठीक है, आपका संजय जायसवाल से कुछ होगा, कुछ जुबानी जंग होगी, कुछ व्यक्तिगत खुन्नस होगा, वो आप अपने तरीके से लड़िए, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को इस तरह से भगवान बनाकर पेश कीजिए। ये चापलूसी की पराकाष्ठा है, इससे बचना चाहिए। और एक और चापलूसी की पराकाष्ठा पिछले दिनों कल देखने को मिली है जी न्यूज की तरफ से। जी न्यूज का जो मीडिया हाउस है, जी न्यूज जो है, जिसको कई सारे लोग छी न्यूज भी कहते हैं, उसके अलग कारण है कि छी न्यूज क्यों कहते हैं। हालिया जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा का चुनाव हार चुके हैं। यह भी खबर है कि सुधीर चौधरी को शायद जी न्यूज से निकाल दिया गया है। लेकिन जो नए एंकर महोदय डीएनए नाम का एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया। वायनाड से सांसद है राहुल गांधी, और वहां उनके दफ्तर पर एसएफआई के स्टूडेंट्स ने हमला किया था। इस चीज को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया और कहा कि इन बच्चों को माफ कर देना चाहिए, मैं उन बच्चों को लेकर क्रोधित नहीं हूं। जी न्यूज के डीएनए प्रोग्राम में उक्त पत्रकार ने उस बयान को उदयपुर की घटना से जोड़ दिया। जब इस पर बवाल मचा, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, तो कल उसी डीएनए कार्यक्रम में जी न्यूज ने माफी मांगी है राहुल गांधी से और ये स्वीकार किया है कि उन्होंने गलत खबर, उनके बयान को, राहुल गांधी के बयान को गलत खबर के संदर्भ में चलाया। नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक वी शुड बी फॉरगिविंग एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझिए कि इस वक्त परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, गलत परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, एक नेता की छवि को धूमिल करने के लिए किस हद तक लोग झूठ बोल रहे हैं, किस हद तक। और ये मीडिया का हाल है, नेशनल मीडिया का हाल है, और ये चापलूसी में ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारे आका खुश हो जाएंगे, हमारे आका जो है, हमारे जो मालिक है, वो राज्यसभा चले जाएंगे, लोकसभा चले जाएंगे, विधानसभा चले जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, बड़े नेता जो है देश के, वो हमसे खुश हो जाएंगे। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? एक आम दर्शक का है, उसको गलत खबर मिल रही है, उसके लिए गलत परसेप्शन का निर्माण हो रहा है। इस चीज को समझिए, ये गलत परसेप्शन, गलत खबर सिर्फ हमारा वर्तमान नहीं, हमारा भविष्य भी बर्बाद कर रहा है और करेगा। तो जी न्यूज हो या तमाम अन्य न्यूज चैनल हो, जिस तरीके से पिछले दिनों नूपुर शर्मा का केस हुआ, जिस तरह से उन पर डिबेट किया जाता है, जिसकी वजह से देश में नफरत का माहौल फैल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो एक आम दर्शक, एक आम नागरिक होने के नाते हम लोगों का दायित्व है कि हम सही को सही, गलत को गलत समझें, समझने की कोशिश करें। तो मुझे लगा कि ये सब बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आप अपनी राय जरूर अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये आप लोगों की बहुत बड़ी मदद होगी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग वही बात करते हैं जो हमारे और आपके और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, बेनिफिशियल है। अन्यथा फॉल्स परसेप्शन क्रिएशन का जो काम इस वक्त चल रहा है, वो हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी एक दिन डुबा कर रख देगा। इससे बचिए, बचना बहुत जरूरी है, और बोलना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार।